हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉन स्टोरी। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक कंप्यूटर माउस को। क्या आपने सोचा है कि ये कंप्यूटर माउस कैसे काम करता है और उसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है? कभी आप माउस घुमाते हैं तो आपका कर्सर सामने सामने घूमता रहता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? ऑल्सो आपने कभी सोचा है कि जब आप इसको उल्टा घुमाते हैं एक लाइट जलता है, कभी रखते हैं वो लाइट कम हो जाता है, ये सब फीचर्स कैसे काम करती हैं? तो आइए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं खोलने से माउस को। आपको पीछे एक स्क्रू होता है, उसको खोलना है। उसके बाद ये माउस का नीचे वाला कंपार्टमेंट खुल जाएगा। फिर आप देख रहे हैं ये माउस खुल गया है। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है। ये वो आईसी है जो इसका मदरबोर्ड की तरह है। ये रोलिंग पार्ट है इसका जो आप रोल करते हैं। ये एलईडी है जो लाइट भेजता है। ये फिल्टर कैपेसिटर है और ये रोटेटिंग पोटेंशियोमीटर है, प्लस दो स्विचेस हैं। तो ये रोटेटिंग पोटेंशियोमीटर है। चलो आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। आप देख रहे हैं मैं अपना हैंड लगा रहा हूँ तो ये एलईडी जल रहा है, और हटा रहा हूँ तो बुझ रहा है। ये एक डिमिंग एलईडी है जो इस आईसी के पिन नंबर 5 से कंट्रोल होता है। तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो ये जलता है, नहीं मिलता है तो नहीं जलता है। आगे मैंने बताया है कि ये किस तरह काम करता है, आप देखिएगा आगे एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो ये आईसी बहुत इंपॉर्टेंट आईसी है माउस के ऑपरेशन में। ये आईसी है ADNS2610, अवैगो कंपनी का है, अवैगो टेक्नोलॉजीज का, और सारे माउस में यही आईसी यूज होता है। पहले व्हील माउस हुआ करता था, पर अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है इस आईसी से। तो इस आईसी में सर्टन पिन कॉन्फ़िगरेशन है। आप बिल्कुल घबराइए मत, ये पिन कॉन्फ़िगरेशन देख के इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा और बहुत ही ईजी है, आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगा कि ये माउस कैसे काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखिए कि माउस में हम कुछ सेक्शंस में कवर करेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन है आपका 5 वोल्ट पावर सेक्शन है। ऑब्वियसली आप माउस के पास अपना पावर तो होता नहीं है, वायर्ड माउस की बात कर रहा हूँ, अपना पावर तो होता नहीं है। तो इस केस में उसको वोल्टेज कहाँ से लेना पड़ता है? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से वोल्टेज लेता है वो VCC और ग्राउंड करके 5 वोल्ट का पावर लेता है। अब ये इसका फर्स्ट सेक्शन है। तो ऐसे करते हुए हम सारे सेक्शंस कवर करेंगे। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ पावर। तो पावर टू द माउस, आप देखेंगे कि आप ये USB पोर्ट माउस में घुसाते हैं अपने माउस को, तो बेसिकली इसमें 4 पिन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर पिन नंबर वन और पिन नंबर 4 से पावर आता है, और यही पावर ये माउस को देता है ऑपरेशन करने के लिए। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप अपने किसी भी USB पोर्ट के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 को अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको एक LED ड्राइव करने का पावर मिल जाएगा, बशर्ते आप एक रजिस्टर लगाइए, नहीं तो LED चल जाएगा, क्योंकि मोर लेस LED का 1.8 वोल्ट का पावर सपोर्ट होता है, एक छोटे से बटन LED का। इसी तरह आप देख रहे हैं कि वेरियस कनेक्टर्स हैं और सारे कनेक्टर्स का अपना उसी तरह पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस लाइट में दिख रहा है। तो ये है पावर। अब पहला चीज़ हो गया है कि आपके माउस को पावर मिल गया है, मतलब अब काम करने के लिए उसको पावर मिल चुका है, और ये इस सेक्शन से पता चल रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन से। कोई भी कंपोनेंट में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखेंगे उसमें पावर सेक्शन होता है और पावर इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे आता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो इमेज प्रोसेसिंग। अब आप देखते हैं कि ये सपोज आपका माउस है, तो आप इस माउस को इधर उधर हर जगह घुमाते हैं तो ये माउस आपके हर जगह के एलिमेंट कैप्चर करता है, हर जगह का पोजीशन कैप्चर करता है। आपका कर्सर जैसे ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ऐसे आपका कर्सर घूमता रहता है। तो इसको मैनेज करने के लिए होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सेक्शन। तो ये सेक्शन कैसे काम करता है, तो आप देख रहे हैं कि एक LED लगा हुआ है और ये वही IC है जिसके बारे में मैंने आगे बात किया, जिसके 8 पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या होता है, ये एक लेंस है, लेंस सिस्टम है। इसी आईसी में एक लेंस सिस्टम नीचे की तरफ लगा होता है। अगर आप माउस को अपना उल्टा करके देखेंगे तो आपको ये एक सेक्शन दिखाई देगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब आप LED जलता है तो इस पॉइंट में बाउंस ऑफ होता है और नीचे की तरफ लाइट जाता है, नीचे की तरफ से इस आईसी में बाउंस होके लाइट आता है और ये डिटेक्ट करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लाइट जल रहा है और ये लाइट आईसी की तरफ फोटोसेल की तरफ जा रहा है और फोटोसेल डिटेक्ट कर रहा है। तो यही मैकेनिज्म अंदर की तरफ से मैंने आपको दिखाया है, पीछे की तरफ से आप अपने माउस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए, ये लाइट नीचे गया, नीचे हुआ बाउंस, हुआ बाउंस होके ऊपर गया और डिजिटल प्रोसेसिंग सेक्शन में उस आईसी में चला गया। तो अब होता क्या है कि आप जब इसको माउस को इधर उधर आप इधर उधर घुमा रहे हैं तो ये चीज तो स्टैटिक है, ये चीज भी स्टैटिक है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपका ये रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो जब जब जो चेंज हो रहा है, चेंज
किसको डिटेक्ट कर रहा है ये चेंज, आप जहां भी एक्स वाई एक्सिस में जहां भी अपने माउस को इधर उधर घुमा रहे हैं, तो ये सारा सारा ये डिटेक्ट कर रहा है और डिटेक्ट करके ये आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज रहा है। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होता कैसे, तो आपने देख दिया, आप देख रहे हैं ये आईसी इधर है, तो ये आईसी 1500 फ्रेम एक सेकंड में कैप्चर करता है। दिस इज द जनरल यू नो बेंचमार्क ऑफ दिस आईसी। तो ये ऑप्टिकल नेविगेशन इंजन में काम करता है। तो बेसिकली करता क्या है, जो फ्रेम्स वो कैप्चर कर रहा है उस फ्रेम्स को वो ट्रांसलेट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो आप सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप जहाँ जहाँ अपना माउस घुमा रहे हैं वो सारे कोऑर्डिनेट सारे सब कुछ ये कैप्चर कर रहा है डिजिटल ऑप्टिकल नेविगेशन इंजन के थ्रू, और उसको 1500 पिक्चर ले रहा है एक सेकंड में, और आपको उसको पता चल रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं अपने माउस का माउस के साथ एक सेकंड में, और उसको ट्रांसलेट कर रहा है एक्स वाई एक्सिस। सो आपने देखा कि मैंने क्या आपको बताया कि इमेज प्रोसेसिंग, ओके, तो इमेज प्रोसेसिंग में आपने देखा कि किस तरह प्रोसेस हो रहा है इमेज और किस तरह वो आगे डिजिटली स्टोर कर रहा है। तो हमने दो सेक्शन कवर कर लिए, एक सेक्शन था पावर सेक्शन जिसमें माउस को पावर मिला, और दूसरा सेक्शन है इसका इमेज प्रोसेसिंग सेक्शन जिससे हमें इमेज प्रोसेस हुआ। अब हम बढ़ते हैं एलईडी कंट्रोल सेक्शन में। तो इस कंट्रोल सेक्शन में क्या होता है, इस कंट्रोल सेक्शन में क्या होता है कि एलईडी कब ऑन होना चाहिए और कब ऑफ होना चाहिए वो भी कंट्रोल होता है इस आईसी के थ्रू। आप देखिए एलईडी कंट्रोल सेक्शन मैंने बनाया है, ये इसी से कंट्रोल, तो ये पिन नंबर 5 से कंट्रोल होता है, जो आईसी मैंने पहले दिखाया था, ये पिन नंबर 5 से कंट्रोल होता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप माउस को चला रहे होते हैं नीचे का लाइट बहुत तेज जल रहा होता है, आप उठा के देखते हैं अरे वो लाइट कम हो गया, फिर आपने उंगली ऐसे लगाते हैं तो लाइट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका इमेज प्रोसेसर है उसको तो इमेज मिल रहा है, और आपने ऊपर से नीचे से उसका उसको बाउंस होके इमेज मिल रहा है ना, आपको मैंने बताया बाउंस होके इमेज मिल रहा है। अब इस केस में अगर बाउंस होके इमेज मिल रहा है उसको, तो आपने अगर माउस को उठा दिया तो बाउंस होने का एरिया नहीं मिल रहा है, तो उसको सिग्नल नहीं मिला, उसको सिग्नल नहीं मिला तो उसने कंट्रोल क्या किया, उसने पिन नंबर 5 से एलईडी को बोला भाई एलईडी मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, तू लो हो जा, तो लो हो जाता है, तो वो कैप्चर नहीं करता है। तो फिर उसी तरह फिर आप उठा के उसको अपने डेस्क पे रख के फिर हिलाने लगते हैं, फिर वो लाइट जल जाता है। तो एलईडी तब तब एक्टिवेट होता है जब जब आप उसको मोशन देते हैं, जब जब वो किसी सरफेस के साथ होता है। तो यही इस पिन नंबर 5 का फीचर है, और ये लाइट इमिटर डायोड के साथ ऐसे ही कनेक्टेड होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अब नेक्स्ट सेक्शन है आपका एलईडी कंट्रोल, तो हमने बता दिया, और नेक्स्ट सेक्शन है आपका सीरियल पोर्ट सेक्शन। ठीक है, अब सीरियल पोर्ट सेक्शन क्या है कि आप सपोज कोई गेम खेल रहे हैं, और गेम खेलते खेलते आपको लगा कि अब सारी डिटेल्स आपके गेम के आपके कंप्यूटर को जाने तो चाहिए, नहीं तो आप कहीं गोली मार रहे हैं और कहीं जाएगा। तो ये डिटेल जो आपके डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू जो डिटेल्स कैप्चर हुए हैं वो कैप्चर आपके कंप्यूटर को जाना चाहिए, ताकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करे और स्क्रीन में दिखाए कि आप जैसे मूव कर रहे हैं वैसे ही मूव हो रहा है कि नहीं। तो उसको करने के लिए एक सीरियल पोर्ट की जरूरत होती है, जो आपको ऊपर सेक्शन में दिख रहा है सीरियल पोर्ट। ये सीरियल पोर्ट में डेटा ट्रांसफर होता है, और इस डेटा से आपके कंप्यूटर तक ये डेटा जाता है, और कंप्यूटर समझता है इसको, अच्छा ये एक्शन हो रहा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, और आपके माउस को उसी एंगल से और आपके एक्शन को उसी एंगल से ये घुमाता है। तो सीरियल पोर्ट का मेन मकसद ये है कि ये डेटा को पुश करने का काम आता है, जो आपके प्रोसेसिंग हुई है माउस में वो आपके कंप्यूटर तक मिले। ठीक है, तो आपको मैंने दिखाया था कि ये यूएसबी पोर्ट में डेटा पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री, ये डेटा बॉड रेट सेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है माउस से कंप्यूटर को। तो आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर इस डेटा को समझता है, और फिर उस डेटा को समझ के वो आपके स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपके माउस को इधर उधर घुमाता है। देखिए आप पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री में डेटा ट्रांसफर होता है। और एक और चीज़ नोट करने लायक इसमें यह है कि जो बॉड रेट होता है, बॉड रेट मतलब ये होता है कि कितने स्पीड में आपका डेटा जा रहा है आपके माउस से आपके कंप्यूटर को। तो ये 9600 बॉड का इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड में 9600 बिट डेटा आपका माउस आपके कंप्यूटर को भेज रहा है, ताकि उतना प्रोसेसिंग फास्ट कर सके और आपके मोशंस को समझ सके। ठीक है, तो आप अगर गेमिंग माउस लेते हैं और हाई एंड माउस लेते हैं तो बॉड रेट ज़्यादा होता है, पर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इसी तरह आपके जो इंस्टेंसेज होते हैं गेमिंग माउस में वो काफ़ी जल्दी कैप्चर होते हैं एज कम्पेयर टू अ लोअर माउस। तो यही है आपके सर्किट के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये अब ये आईसी का मतलब समझ में आया होगा इतने एक्सप्लेनेशन के बाद, कि सीरियल डेटा आउटपुट इनपुट आउटपुट क्या होता है, सीरियल पोर्ट क्लॉक आउटपुट, ये सीरियल डेटा जो आप कंप्यूटर को भेजते हैं, डिजिटल शटर सिग्नल आउट मतलब मैंने जो एलईडी बताया आपको वो एलईडी ऑन और ऑफ होता है जब आप अपने माउस को उठाते हो नीचे रखते हैं, ग्राउंड मतलब
आपने माइनस 5 वोल्ट एंड प्लस 5 वोल्ट VDD और इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज होता है नीचे वोल्ट पीसीबी के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ऑसिलेटर इनर आउट जनरली हम कब यूज़ करते हैं, जब ये पर्टिकुलर सेटअप आप किसी वायरलेस माउस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जनरली नॉर्मल वायर्ड माउस के लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाले वीडियोस में मैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर करूँगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले इलेक्ट्रॉनिक्स में। थैंक यू गाइज़।